सूरत में वस्ता ज्वेलरी धंधा साथ जोड़ायेला बंगाली कारीगरों एसोसिएशन द्वारा मीटिंग आयोजन करवामां आव्युं हतुं। राजकोट सूरत में बंगाली कारीगरों विषे चोरी आक्षेपों करते वीडियो वायरल थता ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा मीटिंग आयोजन करवामां आव्युं हतुं। राजकोट सूरत में बंगाली कारीगरों विषे चोरी आक्षेपों करते वीडियो वायरल थता ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा मीटिंग आयोजन करवामां आव्युं हतुं। 100 जेटला बंगाली ज्वेलरी शॉपना सभ्यो आ मीटिंग में जोड़ाया हता। बंगाली कारीगरों द्वारा चोरी कराती होवानी वीडियो में आक्षेपों करवामां आव्या हता। बंगाली कारीगरों पर अविश्वासनुं वातावरण पैदा करी बंगाली कारीगरों ने नौकरी पर नहीं राखवाने लईने वीडियो वायरल ने लईने मीटिंग योजाई हती। ज्वेलरी एसोसिएशनना सभ्यो जणाव्युं हतुं के कारीगरों ने डरवानी कोई जरूर नथी। एक व्यक्ति द्वारा चोरी कराता समग्र बंगाली कारीगर ने बदनाम करवामां आवी रह्या छे, तेने अमो वखोड़ी रह्या छीए। वासुदेव अधिकारी, ज्वेलरी एसोसिएशन के लिए ये मीटिंग है। सूरत ऑल सूरत ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग वेलफेयर एसोसिएशन से मीटिंग है और ये सबका प्रॉब्लम है। कुछ वीडियो वायरल हो रहा है बरासा से, राजकोट से, अहमदाबाद से, उसके लिए हम सब इकट्ठा हुआ है और सब ये फैक्ट्री वाला है, कारखाना वाला आया है। 100 जितना कारखाना वाला फैक्ट्री वाला आज आया है। मीटिंग में क्या चर्चा हुई? मीटिंग में चर्चा आगे ऐसा हुआ है कि ये एसोसिएशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए और कोई जो बार वायरल हो रहा है उसमें हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उनको भी पता चलना चाहिए, सोना चांदी धंधे में 90% बंगाली कारीगर है और वो भी काम करता होगा तो बंगाली कारीगर से ही काम करवाता होगा। तो इसके लिए हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमको सूरत में एक मजबूत एसोसिएशन की तरफ ध्यान देना है। मेरा नाम तपन आदक है और मैं पिछले 20 सालों से सूरत में ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं और हमारे यहां पे लगभग 80 से लाख कारीगर है जो सभी फैक्ट्री हमारे बंगाली समाज में भी किसी कारखाने में सब काम कर रहे हैं और सब खुश है। आज हम लोग एकत्रित हुए इसीलिए कि ये 2-4 ऐसा छोटा मोटा वायरल हुआ है जो हमारे सूरत वाले जो एसोसिएशन है वो लोग बोले सब फालतू है, इसमें कोई घबराने की बात टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा बोलता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं और हम सब अच्छे से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये मीटिंग जो हुई उसमें क्या चर्चा हुई खास? बस चर्चा ही छोटे जो हमारे सब दुकानदार है जो 10-5-6 कारीगर लेके काम करते हैं, ये वायरल की वजह से लोगों को थोड़ा डर पैदा बैठ गया था तो हमसे पूछ रहा, तो हमने भी हमारे एसोसिएशन से हमने बात की, वो लोगों ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया तपंदा ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कोई कोई गलत बोल लेता है तो उसको लेके आपको अपने समाज में किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा कुछ हमारे से होने हम लोगों से होएगा नहीं और हम कुछ ऐसा करेंगे नहीं। और ये जो फूट डालने की जिसने बात की है गलत है, इस तरह से लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हो, हम साथ साथ हैं तो भी ये ज्वेलरी बनता है। किस तरह का ये वीडियो था खास करके लोगों को जैसे खास करके मतलब कुछ बंगाली करके ऐसे जैसे मतलब हम लोगों ने कुछ चोरी कर ली है। देखिए सभी समाजों में सभी सेक्टर में कोई ना कोई तो खराब होता ही है। अभी 100 में 1 जन करता है तो पूरा समाज तो उसमें नहीं आता है ना, तो इसलिए जो अच्छे हैं वो लोग डर गए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, सब तो बार बार बोल रहे हैं ना और ये गलत है। जिसने भी बोला है हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये सब बंगाली भागा गुजरात में, गुजरात में बंगाली लोग काम करने आया है, कुछ लेके नहीं, बस साथ में रहने, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है उसी तरह मिलके हम लोग रह रहे हैं यहाँ।